घोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी डेमोनिक आइडेंटिटी है जिसे ग्लोबली काफी पसंद किया जाता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि घोस्ट राइडर की मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारी अलग अलग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन सब घोस्ट राइडर में सबसे पावरफुल घोस्ट राइडर कौन है? मैं जानता हूँ, यहाँ सब जॉनी ब्लेज का नाम लेंगे, क्योंकि जॉनी की विल पावर मार्वल में मौजूद सभी दूसरे घोस्ट राइडर से काफी ज्यादा है। पर ये गलत है। दरअसल मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसा घोस्ट राइडर भी एग्जिस्ट करता है जो जॉनी ब्लेज और बाकी सारे दूसरे घोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर्स एंजेलिक है और उसका अनऑफिशियल नेम एंजल राइडर है। आज के हमारी वीडियो में हम उसी एंजल राइडर के ओरिजिन के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन है ये एंजल राइडर। इसीलिए बिना समय को गवाते हुए चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है डैनियल डेनी कैच के एग्जॉर्सिज्म से, जहां उसका फोर्सफुली सेपरेशन कराया जाता है उसकी एक एंसेस्टर की सोल से, जिसका नाम नोबल केल होता है। मैं आपको बता दूं कि डैनी कैच की फैमिली घोस्ट राइडर पावर से कर्स्ड है और जॉनी ब्लेज भी इसी फैमिली का मेंबर है, इसलिए मजबूरन डैनी को भी अपनी घोस्ट राइडर सर्विसेज बिना चाहते हुए देनी पड़ती है। डैनी के एग्जॉर्सिज्म की वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो एक इररिवर्सिबल कोमा में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके भाई जॉनी ब्लेज और उसकी मरी हुई मां नाओमी केल के पास उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही सुपरनैचुरल तरीका बचता है, और वो डैनी के लिए एक गिफ्ट होता है। उसकी सोल को घोस्ट राइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे नॉर्मल लाइफ गिफ्ट में मिल जाती है। अपनी नॉर्मल लाइफ को पाकर डैनी बहुत खुश होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम स्टेसी डॉलिन होता है उससे शादी कर लेता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी प्रेग्नेंट हो जाती है। स्टेसी डैनी के फैमिली कर्स के बारे में जानती थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने की वजह से डैनी को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से डैनी बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो शराब का आदी हो जाता है। डैनी अपने नॉर्मल लाइफ से भी बोर हो जाता है और एडवेंचर ढूंढने के लिए भी शराब का सहारा ले लेता है। इन्हीं सब के बीच में उसकी मुलाकात एक वियर्ड बींग से होती है जो एक टॉकिंग क्रो होता है, जिसका नाम मिस्टर इलेवन है। मिस्टर इलेवन डैनी को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है। वो उसे एक नए टाइप की ड्रग देता है जो घोस्ट राइडर पावर्स की एक डोज होती है। मिस्टर इलेवन डैनी को बहुत सारी ऐसी डोजेस देता है जो कि हर बार और भी ज्यादा पावरफुल होती जाती है। इन्हीं मीटिंग्स के दौरान मिस्टर इलेवन डैनी को घोस्ट राइडर की सच्ची कहानी भी बताता है। वो बताता है कि जो पिछला स्पिरिट ऑफ वेंजेंस था वो इतनी ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसने खुद की ही सोल को जला दिया था। मिस्टर इलेवन को यकीन था कि डैनी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के लिए एक परफेक्ट कंटेंडर है, इसलिए वो उसे वर्मिनस रेक्स को पकड़ने के लिए बोलता है, जो दूसरे घोस्ट राइडर्स का शिकार कर रहा था अल्टीमेट पावर के लिए। वर्मिनस रेक्स से डैनी पहले भी लड़ चुका था। डैनी इलेवन के उस प्रस्ताव के लिए हाँ बोल देता है और वो वर्मिनस रेक्स की तलाश में निकल जाता है। डैनी सबसे पहले एल्विनस को पकड़ता है, जो कि एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस होता है। एल्विनस वर्मिनस रेक्स का करीबी होता है। मिस्टर इलेवन के बताए हुए तरीके से वो एल्विनस को मार के उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहीं से डैनी वर्मिनस रेक्स की लोकेशन का भी पता लगा लेता है। वर्मिनस और डैनी आमने सामने आ जाते हैं। एक लंबी बैटल के बाद डैनी वर्मिनस को मार देता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ डैनी को रेक्स के साथ साथ उन सभी की पावर्स भी मिल जाती है जिन घोस्ट राइडर्स को रेक्स ने अपना शिकार बनाया था। इतनी सारी पावर्स को डैनी हैंडल नहीं कर पाता है, इसीलिए मजबूरन उस एंजल एंटिटी को सामने आना पड़ता है जो कि मिस्टर इलेवन का बॉस भी होता है और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार भी। उस एंजल एंटिटी का नाम जेड कील होता है, जो कि एक सेलेस्टियल बीइंग है। जेड कील अपनी लिमिटलेस एम्बिशंस के लिए मार्वल यूनिवर्स में जाना जाता है। जेड कील डैनी से एक सौदा करता है। वो बोलता है कि वो उसके लिमिटलेस पेन से उसे आजादी दे देगा, बदले में डैनी को उसके लिए दूसरे घोस्ट राइडर्स को मारना होगा और उनकी पावर्स को अब्सॉर्ब करना होगा। मजबूरन डैनी को उसका ये ऑफर मानना पड़ता है, जिसकी वजह से डैनी घोस्ट राइडर से जेड कील नाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी फ्लेम्स ब्लू कलर की हो जाती है और वो एंजल राइडर बन जाता है। डैनी अपने मिशन को स्टार्ट करता है, जहाँ वो सबसे पहले ल्यूकस कॉलियर के पास पहुँचता है, जिसे उसका भाई जॉनी ब्लेस प्रोटेक्ट करता था। ल्यूकस जेड कील के इविल इरादों के बारे में जानता था। उसे पता था कि जेड कील सब घोस्ट राइडर्स की सोल को हेवन में कैद करके अपनी एक अलग आर्मी बनाना चाहता था, इसलिए ल्यूकस
खुद को मार देता है। उसका सोचना था कि शायद वो ऐसा करके हेल में जेड कील से बचा रहेगा। डैनी को अपने मास्टर के इविल इरादों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो दूसरे राइडर्स की हंट के लिए निकल जाता है। वो न्यू जेरूसलम, साइप्रस हिल और तिब्बत में असॉल्ट करता है, जहाँ उसे एक नीमा नाम का लड़का मिलता है जो अभी अभी घोस्ट राइडर में कन्वर्ट हुआ था अपने लोगों को चाइनीज आर्मी से बचाने के लिए। डैनी उसकी सोल को रिडीम करके उसे और उसके डोंकी दोनों को जला देता है। ऐसे ही एंजल राइडर बहुत से घोस्ट राइडर्स को मार देता है, लेकिन अब फाइनली डैनी अपने भाई जॉनी ब्लेज के सामने आ जाता है। अब कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ डैनी देखता है कि जॉनी भी अब एक एंजल राइडर है, यानी कि उसकी पावर्स भी डैनी की तरह लिमिटलेस है। लेकिन उसकी ये पावर्स दूसरे घोस्ट राइडर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से नहीं थी। जॉनी को ये पावर्स जब मिलती है जब वो रोरके को वापस हेल में भेज देता है। उसी इंसिडेंट के दौरान गलती से वो ज़ेराथोस की सोल को रिडीम कर देता है, जिसकी वजह से ज़ेराथोस अपनी एंजेलिक फॉर्म को वापस पा लेता है। जिसका मतलब ये होता है कि जॉनी इस एंजल राइडर की प्योरेस्ट फॉर्म को अचीव कर लेता है। डैनी की एंजेलिक फॉर्म अभी भी करप्टेड है, लेकिन जॉनी अपनी प्योर फॉर्म को अचीव कर चुका है। डैनी और जॉनी दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। दोनों को यकीन था कि वो किसी न किसी सही रीजन की वजह से आमने सामने हैं। डैनी के हिसाब से वो दूसरे घोस्ट राइडर्स की सोल को अपनी ब्लेस फायर से प्योर कर रहा था, लेकिन उसे जेडकील के इविल इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। अब ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि डैनी और जॉनी में से कौन सही था और कौन सही कॉज के लिए लड़ रहा था। हम बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपके लिए जरूर लेके आएंगे, जिसमें हम डैनी और जॉनी के बीच के सीक्वेंस को आपके लिए और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।